हेलो जी वेलकम बैक तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यू नो व्हाट अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स ओके लेट्स से लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी और इन पाइथन डजेंट मैटर सब सेम ही है ओके ऑपरेटर्स चेंज नहीं होते तो यू हैव दिस एंड और एंड नॉट ओके इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस यू कैन सी कि इसको हम कैसे यूज करते हैं यू हैव दिस एंड ऑर और नॉट अब इनका मतलब क्या होता है बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ दिखाता हूँ ओके लेट मी ट्राइट इन द विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टिट कि मैं आपको वहाँ पे शो करूँ अभी के लिए इस वाले कोड को कमेंट कर देते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस लेटर ओके तो यहाँ पे मैं सिंपली uh, अगर यू नो प्रिंट करूँ कि भाई पाँच बड़ा है चार से ठीक है ये चीज़ आपको नॉर्मली uh, क्या रिटर्न करेगी राइट right? क्योंकि पांच बड़ा है चार से अब मैं ये यही कहू कि भाई और दैट एंड जो आपका है है वो भी बड़ा है चार से तो अब इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा दिस इज यू नो और मतलब ये ट्रू है आपका ये ट्रू है और बीच में आपने कंडीशन क्या रखी है एंड याद है आपको ट्वेल्थ में अगर फिजिक्स लिया आपने तो वहां पे एंड और गेट और नॉट गेट हुआ करते थे राइट right? तो सेम चीज यहीं पे भी है तो so है uh, है ये भी true है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा ट्रू okay? तो ओके अगर दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है ये तब ट्रू रिटर्न करेगा जब आपकी दोनों में से कोई सी भी अगर एक ट्रू है तो डन ओके एंड देन हियर रिवर्स द रिजल्ट अगर आपका ट्रू है तो फॉल्स कर देगा अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा सिंपल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ लेस से हम सिर्फ एंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं एंड यू हैव द ये कहीं नोट डाउन कर लेना ठीक है स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर आपको ऑलरेडी इन चीज़ के बारे में नहीं पता है तो एंड देन यू हैव ट्रू हेयर अगर दोनों आपके ट्रू हैं यू नो तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको ट्रू रिटर्न करेगा हमेशा ओके okay? यहाँ पर इनकी जगह पे कंडीशंस होंगी ये जिसमें एग्जाम्पल के लिए कि आपको रिजल्ट क्या आता है ओके okay? सेम uh, आपका अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ भाई दोनों तो में से एक फॉल्स है सेकंड ट्रू है ओके okay? तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स क्योंकि एंड है ओके okay? हम यहाँ पे एंड यूज कर रहे हैं सेम चीज अगर मैं यहाँ पे करूं कि भाई यू नो दोनों में से अगर ये फॉल्स होता है तब भी आपका फॉल्स ही आता ओके जस्ट टू लेट यू नो अगर आपके दोनों फॉल्स हैं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा हमेशा फॉल्स ओके okay, जी आ, और के केस में चीजें चेंज हो जाती हैं और कहता है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है ना तब आप फटाफट से इसको नो ट्रू भेज दो और के केस में सिर्फ फॉल्स और फॉल्स वाले केस आपका फॉल्स आएगा अदरवाइज ट्रू आ जाएगा सी ठीक है ट्रू ट्रू सिंपल एंड देन अगेन हम यहाँ पे यू नो अगर नॉट की बात करें तो नॉट का मतलब क्या है कि अगर कोई कंडीशन हमारे पास में अवेलेबल है लाइक दिस नॉट ट्रू इसका मतलब क्या हुआ नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ फॉल्स है राइट right? तो इसका रिजल्ट आपका क्या आएगा फॉल्स अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा यू विल गेट फॉल्स ओके ये अगर मैं नॉट फॉल्स करता तो आपका जो रिजल्ट आता दैट विल बी यू नो ट्रू राइट अब इतनी नॉलेज हमें मिल गई है तो इससे हम क्या ऊपर वाले प्रोग्राम में कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं इसको थोड़ा सा और छोटा बना सकते हैं लेट्स ट्राई दैट आउट मैं इसको हटाता हूं राइट right नाउ अगर आप देखो हमने कोई भी लाइन लीव नहीं किया ठीक है और टोटल हमारा जो प्रोग्राम है वो फोर्टीन लाइन के अराउंड जा रहा है राइट इफ आई काउंटेड फ्रॉम हेयर तो अभी हम क्या करेंगे इसको कमेंट करेंगे राइट और जो हमारा डायग्राम था राइट वन uh, क्या हम इसमें चीजें चेंज कर सकते हैं तो इंस्टेड की हम यहाँ पे ये चेक करेंट फिर ये कर फिर हंड्रेड प्लस में आ रहे हैं वी कैन ईजिली चेक स्टार्टिंग में अगर यू नो इज डिवाइडेड बाई हंड्रेड एंड डिवाइडेड बाय फोर हंड्रेड ठीक है अगर ये ये दोनों से आपका हो जाता है तो मैं ये लिख देता हूँ यस है ना तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इज अर ठीक है और यहाँ पे एक बार और भी आती है कि अगर दोनों आपके हंड्रेड और फोर हंड्रेड दोनों से डिवाइडेड है ठीक है और एल्स अगर ये आपकी कंडीशन गलत होती है तो यू नो वी कैन जस्ट मूव टू द नो पार्ट इसको नो कर लेते हैं नो no. और फिर हम चेक क्या करेंगे कि भाई इफ इट्स लेट्स से इफ नॉट इफ डिवाइडेड बाय फोर नॉट डिवाइडेड बाय हंड्रेड ठीक है तो अगर ये यस आएगा लीप ईयर, अगर नो आएगा आई एम गोना जस्ट रिमूव दिस थैंक्स ओके cut, cut, cut and here you can also cut this one. यहाँ पे ठीक है ये isko करेगा इसको and we can just say not leave here. theek hai जी और ये हो जाएगा yes, ये हो जाएगा no. ओके okay? क्या इसमें अभी कोई आपको गलती लग रही है आई थिंक देर इज वन

डिवाइडेड था पर वो हंड्रेड से डिवाइडेड नहीं था ठीक है तो यहाँ पे अगर चेक होगा लेनटीन हंड्रेड राइट तो नाइनटीन हंड्रेड आपका यहाँ से नो वाली कंडीशन में चला जाएगा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जाकर चेक आएगा क्या नाइनटीन हंड्रेड चार से डिवाइडेड है मे बी यस लेकिन हम ये भी चेक करना है कि नॉट डिवाइडेड बाई हंड्रेड भी होना चाहिए राइट right? अगर इन दोनों का हमारी कंडीशन यहाँ पे एंड लगा देते हैं बिकॉज देर विल बी गोइंग टू बी एन एंड राइट और वो नॉट डिवाइडेड अगर हंड्रेड से है 1900 एग्जाम्पल के लिए तो वो नो में चला जाएगा नॉट लीपियर तो आई आएगी और फायदा क्या हुआ कि हम नेस्टिंग से बाहर हमारा प्रोग्राम कन्फ्यूजिंग जाता है आई right. होप ले ले uh, आप लोगों के सारे इसमें हो right? अगर नहीं हुए तो आल क्लियर तो अभी नेस्टिंग से हम बाहर आते हैं सबसे पहले कंडीशन हमारी क्या है कि डिवाइड करो हंड्रेड से और चार हंड्रेड से भी चार हंड्रेड आई मीन फोर हंड्रेड राइट तो अगर इन दोनों से डिवाइड हो जाता है हमारा काम हो गया सो आल यू नो ऑन द टॉप कंडीशन हम लोग यहाँ पे जस्ट लिखेंगे लाइन नंबर फोर्टीन तक जा रहा है राइट right? इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से हटाई देते हैं बिल्कुल इफ़ इट इज़ यू नो डिवाइडेड बाई हंड्रेड ठीक है और और क्योंकि हम इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं या विदाउट ब्रैकेट भी डाल सकते हैं अप टू यू मैं जस्ट रीडिबिलिटी के लिए उसको ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ सो आई कैन प्लेस अंड कंडीशन हेयर और मैं ये भी चेक करूंगा कि इज डिवाइडेड बाई फोर राइट Year is divided by 400 equal to equal to to तो यहाँ पे हम simply लिख सकते हैं कि यार ये तो year है year है right क्योंकि आपका वो 1600 वाला 2000 वाला यहाँ से cover हो जाएगा है ना next जो हम यहाँ पे check करेंगे that will be else part कि अगर आपका 100 से मान लिए divide हो गया 1900 वाला right लेकिन 400 हंड्रेड डिवाइड नहीं हुआ तो आप else वाले part में चले जाओगे for sure ठीक है तो अगर मैं यहाँ से एल्स वाले पार्ट में गया दैट मीन्स कि हमारा 1998 वाला कुछ आ गया या फिर 1900 वाला ही आ गया 1998 वाला तो यहीं से एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और आप ऑलरेडी यहाँ पे आ जाओगे राइट right? तो यहाँ पे हम लोगों को एक सिंपल सी कंडीशन चेक करनी है एल्स के अंदर आकर के कि भाई इफ इट इज डिवाइडेड बाई फोर एंड नॉट डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो आपका लीपियर हो गया ठीक है अब यहाँ पे आता है कि एल्स के अंदर हम इफ़ कंडीशन लगाएं या हम डायरेक्टली एल एफ भी तो कर सकते हैं एल एफ के अंदर हम खाली कंडीशन तो देनी है वी कैन गिव द कंडीशन राइट इफ़ इसके अंदर जा कर के मैं लिखूंगा ये वाली कंडीशन हालांकि यहाँ पे ही थोड़ा सा यू you नो know, प्रोग्राम आपका जो मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है थोड़ा सा गलत बन गया है मतलब तो तो इसको गलत नहीं है, है सही लेकिन हम इसको अगर हम एल एफ में लिखना चाह रहे हैं एल्स के अंदर इफ कंडीशन नहीं लिखना चाह रहे हैं सो वी कैन मेक इट यू नो मोर काइंड ऑफ ईजियर टू अंडरस्टैंड तो मैं क्या करूँगा इस लाइन को हटाऊंगा क्या हम तीनों को एक साथ ही उठा सकते हैं लक्ष्मण यस वी कुड हैव डन दैट तो आई विल जस्ट यू नो मूव देम हियर इसको कट कर देते हैं इसको कट कर देते हैं यहां से एक लाइन निकालते हैं दिस वन एंड दिस दिस वन एंड दिस दिस वन ठीक है तो ये आपके हो गए इफ कंडीशन एंड दिस इज एल इफ कंडीशन एल इफ के, के अंदर आकर के मैं चेक कर लूंगा कि भाई इफ

जिसका रिजल्ट आएगा वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए जीरो जी एंड इन एल्स कंडीशन लगा सकते हैं जस्ट प्रिंट करते हुए नॉट लीव एयर ओके तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट दो तीन और प्रोग्राम को करोगे तभी आपको समझ में आएगा इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज डाल के देखोगे तब तो आपको समझ में आएगा ठीक है अब यहाँ पे एक सिंपल सा हम ईयर एंटर करते हैं 1998, एंटर नॉट लीप ईयर ओके वट अबाउट 1996, लीप ईयर परफेक्ट अब बात करते हैं एक्सेप्शन की दैट वॉज 1900, ठीक है Not leap year. अगर मैं ये 2000 की बात करूं, leap year, ठीक है? Same, अगर मैं 1600 की बात करूं, leap year, right? अगर हम यहाँ पे 1800 की बात करें,

Uh, this was all for this video, I think already ka feel umbioge, so see you in the next. Bye.